क्या वीजा एसओपी के बारे में जानना चाहते हो? रुको रुको, मैं उसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूं, बट इससे पहले हम एक बात क्लियर कर लेते कि मैं जितने भी चीजें आगे दिखाऊं, जितने भी कंटेंट दिखाऊं, जितने भी वर्ड्स दिखाऊं, उसको आपको कॉपी पेस्ट नहीं करना है, क्योंकि प्लेगरिज्म नाम की कोई चीज है। अगर आपने कॉपी पेस्ट किया तो आपके वीजा भी रिजेक्ट हो सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी वीजा फाइल में मेरा एसओपी सबमिट किया हुआ है, इसीलिए मैं बता रहा हूं। क्योंकि ये वीडियो आपके गाइडेंस के लिए, आपके हेल्प के लिए, आपके इंफॉर्मेशन के लिए और आपके नॉलेज के लिए, तो प्लीज कुछ भी आपको कॉपी पेस्ट करने की जरूरत नहीं है। और अगर आपको मेरा वीडियो या मेरा कंटेंट आपकी लाइफ में काम आ रहा है तो प्लीज मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो चलो मैं आपको दिखाता हूं। तो इस वीडियो में हम टोटल 7 पॉइंट के ऊपर डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है हमारा एकेडमिक्स, उसके बाद आएगा हमारा वर्क एक्सपीरियंस, फिर थर्ड नंबर पे है व्हाई दिस कोर्स एंड व्हाई दिस कॉलेज, उसके बाद फोर्थ पॉइंट पे आएगा हमारा व्हाई कनाडा, उसके बाद फिफ्थ नंबर पे हमारा लिंग्विस्टिक एबिलिटीज, उसके बाद आएगा हमारा फ्यूचर प्लान्स, और लास्ट में हम बात करेंगे लेवल ऑफ एस्टेब्लिशमेंट के। तो ये सारे पॉइंट के ऊपर हम इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो ये मेरी एसओपी है। तो सबसे पहले मैंने मेरा नाम, प्रोग्राम कौन सा है, इनटेक कौन सा है, वो सब चीजें बता दी थी। उसके बाद टू द वीजा ऑफिसर कनाडा हाई कमीशन करके मैंने सब्जेक्ट बता दिया था, एप्लीकेशन फॉर स्टडी परमिट, उसके बाद रिक्वेस्टेड ऑफिसर करके मैंने ये पैराग्राफ स्टार्ट कर दिया था। तो यहाँ पे टोटल 2 पैराग्राफ से आप देख सकते हो। तो ये हमारे इंट्रोडक्शन पैराग्राफ है, तो वो हमारे जो 6 मेन पॉइंट है उसमें ये ऐड नहीं होता, और मैं ये सारी चीजों का ओवर ही बताऊंगा, क्योंकि अगर सारा कुछ पढ़ने बैठूंगा तो वीडियो बड़ा हो जाएगा और आपके लिए भी डिफिकल्टी आएगी। तो सबसे पहले पैराग्राफ में मैंने बताया कि एज कोटेड बाय एलिना व्हीलर, डिजाइन इज इंटेलिजेंस मेड विजिबल, क्योंकि मेरा कोर्स वेब डेवलपमेंट है इसीलिए मैंने ये कोट ऐड किया था, क्योंकि मेरे प्रोग्राम से ये कनेक्ट हो रहा था। अगर आपके कोर्स के मुताबिक ऐसा कुछ ऐड हो सकता है तो आपको ऐड कर लेना है, आपके लिए वेल एंड गुड है। उसके बाद मैंने सेकेंड पैराग्राफ में बताया कि मैंने मेरा जो कोर्स है वेब डेवलपमेंट, तो मैंने इंजीनियरिंग के दौरान या कहीं पे भी कब मैंने वो कोर्स पढ़ा था, तो मैंने बताया कि इट वॉज ड्यूरिंग माई थर्ड ईयर ऑफ IT इंजीनियरिंग व्हेन आई फर्स्ट लर्न अबाउट वेब डेवलपमेंट। ऐसा करके आपको इंट्रोडक्शन बना देनी है। फर्स्ट ऐसे 2 या 3 पैराग्राफ्स आप ऐड कर सकते हो, उससे ज्यादा आपको करने की जरूरत नहीं है। तो ये हमारा हुआ इंट्रोडक्शन पार्ट। सबसे पहला पॉइंट है हमारा एकेडमिक्स। तो एकेडमिक्स में आपको अपना एजुकेशनल बैकग्राउंड बताना है कि 10th में कितने मार्क्स थे आपके, 12th में कितने मार्क्स है, आपने कब पास आउट किया, उसके बाद अगर आपने 12th के बाद बी या बीटेक किया है तो उस वक्त आपने कौन कौन से सब्जेक्ट पढ़े थे और आपके CGPA कितने थे, वो सब चीजें आपको एकेडमिक्स में बताना है। तो यहाँ पे आपने देख सकते हो मैंने 10th के मार्क्स बताए, 12th के मार्क्स बताए, उसके बाद मैंने G2 में इंजीनियरिंग की थी तो उस वक्त मैंने जावा, SQL, JavaScript और ये सारी चीजें मैंने पढ़ी थी, HTML, CSS, JavaScript, जो मेरे कोर्स से कनेक्ट हो रहे। आप देख सकते हो कि मेरे कोर्स से जो कनेक्ट हो रहे वही सब्जेक्ट आपको ऐड करना है, बाकी के फालतू चीजें आपको ऐड करने की जरूरत नहीं है। उसके बाद मैंने सेकेंड पैराग्राफ में बताया कि मैंने कौन से वर्कशॉप अटेंड किए थे, वेबिनार अटेंड किए थे, मेरा प्रोजेक्ट कौन सा था, उसके बाद मैंने कौन से एक्स्ट्रा करिकुलम एक्टिविटीज में मैंने पार्ट लिया था, वो सब चीजें आप ऐड कर सकते हो, बट आपके कोर्स से कनेक्ट होना चाहिए। एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके कोर्स से कनेक्ट होना चाहिए, आलतू फालतू चीजें ऐड करने की कोई जरूरत नहीं है, वीजा ऑफिसर के पास इतना कुछ टाइम नहीं होता। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने बताया कि वेब डिजाइनिंग में मेरा वर्कशॉप था, उसके बाद मैंने प्रोजेक्ट में वर्क किया था, क्लोथ शॉपिंग वेब एप्लीकेशन यूजिंग डिजाइंगो फ्रेमवर्क, उसके बाद मैंने वेबिनार अटेंड किया था साइबर सिक्योरिटी में। तो ये सारी चीजें आपको बता देनी है एकेडमिक्स में, और CGPA भी मैंने बताया था। तो ऐसी सारी चीजें आपको एकेडमिक्स में आपको मेंशन करनी पड़ती है। तो सेकेंड पॉइंट है हमारा वर्क एक्सपीरियंस। अगर आपके स्टडी के बाद आपने किसी भी कंपनी में वर्क किया हो, कहीं पे भी इंटर्नशिप की हो, तो वो सारी चीजें आपको वर्क एक्सपीरियंस में ऐड कर लेनी है। बट एक चीज का ध्यान रखना है कि आपके पास सारे डॉक्यूमेंट के प्रूफ होने चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट होने चाहिए, तो ही आपको वर्क एक्सपीरियंस ऐड करना है। अगर आपने कोई फेक डॉक्यूमेंट बना के आप ऐड कर रहे हो तो आपके वीजा रिजेक्ट होने के भी चांसेस है, तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है। तो मैंने यहाँ पे आप देख सकते हो MS प्रोजेक्ट में एज अ वेब डेवलपर काम किया था, तो मैंने वो ऐड कर लिया था। आपको किसी एक या आपके कोर्स से कनेक्ट होनी चीज, अगर आपने किसी कहीं पे भी इंटर्नशिप की हो 2-3 जगह, बट आपको 1-2 ही इंटर्नशिप ऐड करनी है जो आपके कोर्स से कनेक्ट होती है,
तो वो सब चीजें आपको वर्क एक्सपीरियंस में ऐड कर लेनी है। थर्ड पॉइंट है हमारा वाई वेब डेवलपमेंट एट कॉर्नरस्टोन कॉलेज। तो यहाँ पे आपको वाई करके आपका कोर्स या प्रोग्राम का नाम आ जाएगा, उसके बाद एड करके आपकी कॉलेज या यूनिवर्सिटी का नाम आपको यहाँ पे सिंपली एड कर लेना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि टोटल हम टू क्वेश्चन का आंसर देने वाले, वाई दिस कोर्स एंड वाई दिस कॉलेज। तो यहाँ पे मैंने थ्री पैराग्राफ्स ऐड किए। तो सबसे पहले पैराग्राफ में मैंने बताया मेरे कॉलेज के बारे में कि मेरी कॉलेज एक फेमस कॉलेज है, वहां पे आपको डाइवर्सिटी मिल जाएगी और वो लोग प्राइमरली फोकस करते हैं स्टूडेंट के हैप्पीनेस के ऊपर और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी प्रोवाइड करते हैं। और लास्ट में मैंने बताया कि मुझे, मैं जब वहां पे जाऊंगा तो मुझे रिसेंट टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करने की भी अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। तो ऐसा आप फर्स्ट पैराग्राफ में ऐड कर सकते हो आपके कोर्स या प्रोग्राम के मुताबिक। उसके बाद मैंने सेकंड पैराग्राफ में मैंने करिकुलम के ऊपर बात की कि मेरे करिकुलम में कुछ एडवांस टॉपिक है वो मेरे होम कंट्री में वो नहीं थे। तो फॉर एग्जांपल करके मैंने जावा प्रोग्रामिंग, एडवांस डेटाबेस डिजाइन, वेब ट्रैफिक, वेब सिक्योरिटी, ऐसे नए एडवांस टॉपिक मैं सीखने वाला हूं, तो आप भी वो ऐड कर सकते हो। आपके अपने कोर्स में जाना है और वहां पे जाके आपको करिकुलम में चेक करना है कि आपके ऐसे कौन से कोर्स प्रोग्रामिंग या सब्जेक्ट्स है वो आपने जो होम कंट्री में नहीं पढ़े थे और यहाँ पे आपको पढ़ने को मिलने वाला है। तो आप भी ऐसा सेकंड पैराग्राफ भी बना सकते हो। थर्ड पैराग्राफ में मैंने बताया कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है कि टैलेंटेड और एक्सपीरियंस ग्रुप ऑफ प्रोफेसर के साथ मुझे काम करने को मिलने वाला है और कुछ नया सीखने को भी मिलने वाला है, और दे विल प्रोवाइड मी द अपॉर्चुनिटी टू डेवलप माई इंटरपर्सनल स्किल इंक्लूडिंग प्रॉब्लम सॉल्विंग, टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन। तो ऐसा कुछ सब आपको थर्ड व्हाई दिस कॉलेज एंड व्हाई दिस कोर्स में आप ऐड कर सकते हो। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। फोर्थ पॉइंट है हमारा व्हाई कनाडा। तो अभी यहाँ पे हम कई सारी चीजें ऐड कर सकते हैं, बट मैं आपको चार पांच पॉइंट बताऊंगा वो आपको ध्यान में रखने हैं। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है कि वहां पे डिफरेंट डिफरेंट कल्चर और डिफरेंट डिफरेंट माइंडसेट के पीपल वहां पे आते और एक साथ रहते, तो हमें वाइडर एक्सपोजर मिलता है। वहां का कॉस्ट इफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम है, यूनिकली डिजाइन करिकुलम है, इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा है, हमें अपॉर्चुनिटी वहां पे ज्यादा मिलने वाली है। फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी बात करूं तो मेरा कोर्स वेब डेवलपमेंट है, तो आईटी वालों की वहां पे ज्यादा डिमांड है, तो हम वो भी ऐड कर सकते हो। आप अपने कोर्स प्रोग्राम के रिलेटिव जो भी कनेक्ट हो रहा है वो आपको यहाँ पे ऐड भी कर सकते हो। और भी कई सारी चीजें हैं, फॉर एग्जाम्पल कि वहां के सर्टिफिकेट ऑल ओवर वर्ल्ड हम यूज कर सकते हैं। उसके बाद आता है कि वो एक अफोर्डेबल कंट्री है एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज। तो ये सारी चीजें आप वाई कनाडा में ऐड कर सकते हो, ये आपके ऊपर है, आपको जो पॉइंट अच्छे लगे वो आपको वाई कनाडा में ऐड कर लेने हैं। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। फिफ्थ पॉइंट है हमारा लिंग्विस्टिक एबिलिटीज। तो उसमें आपने अगर आईएएस दिए, पीटी दिए, जीआरई दिए, जिस भी एग्जाम दिए उसका रिजल्ट आपको लिंग्विस्टिक एबिलिटी में मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एज फॉर माय लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी आई हैव अपीयर्ड फॉर द आईएएस, आईएएस दिए, पीटी, जो भी हो आपको यहाँ पे चेंज करके आपका स्कोर आपको यहाँ पे मेंशन कर लेना है। मैंने आईएएस का एक अलग ही सेक्शन बनाया है आईएएस के रिजल्ट के लिए। तो यहाँ पे आपको अपना लॉगिन आईडी दे लेना है, आपका पासवर्ड दे देना है और ऐसे आपको रो और कॉलम करके आपका रिजल्ट यहाँ पे आपको मेंशन कर लेना है। और नीचे आपको ये लिखना मत भूलना कि आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन टू द फैक्ट दैट दिस कोर कंप्लीटली सेटिस्फाई द लैंग्वेज रिक्वायरमेंट ऑफ द रेप्यूटेड कॉर्नरस्टोन कॉलेज। तो ये लाइन लिखना आपको नहीं भूलना है, आपका यहाँ पे कॉलेज या यूनिवर्सिटी जो भी हो आपको नाम यहाँ पे चेंज कर लेना है और यहाँ पे आपको लॉगिन आईडी और पासवर्ड देना भी मत भूलना। अगर वो चाहे तो चेक भी कर सकते हैं लॉगिन आईडी और पासवर्ड से। तो ऐसे आपको लिंग्विस्टिक एबिलिटी में आपको ऐसे सारा कुछ आपको मेंशन करना पड़ता है। तो अब हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डिस्कस करते हैं। सिक्स पॉइंट है हमारा फ्यूचर प्लान्स। तो एक मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट है और यही पे ही कई सारे स्टूडेंट मिस्टेक कर बैठते हैं। वो लोग बताते हैं कि जब उनकी स्टडी खत्म होगी उसके बाद वो कनाडा में रहना चाहते हैं, वहां पे परमानेंट सेटल होना चाहते हैं और वहीं पे ही जॉब करेंगे। आपको ऐसी कोई भी चीज मेंशन नहीं करनी है। मुझे पता है कि आप वहां पे ही सेटल होने जा रहे हो, बट आपको ऐसा एसओपी में मेंशन नहीं करना है क्योंकि कई सारे बच्चों का वीजा रिजेक्ट हो रहा है और उसका रीजन है नॉट लिव टू कनाडा। इसीलिए मैं बता रहा हूं कि आपको ऐसी कोई भी चीज ऐड नहीं करनी है कि आप कनाडा में परमानेंट सेटल होना चाहते हो। आपको सिंपली ऐसा ही मेंशन करना है कि जब आपकी स्टडी खत्म होगी उसके बाद आप अपनी होम कंट्री वापस आ जाओगे और वहीं पे ही आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हो। उसको मैंने एड ऑन करके मैंने लिखा है कि जब मैं इंडिया आऊंगा
मेरी होम कंट्री में, तो मैं डिजिटल इंडिया एक मूवमेंट चल रहा है तो वहां पे मैं कंट्रीब्यूट करना चाहता हूँ और वहां पे आईटी इंडस्ट्री की ज्यादा डिमांड होने वाली है फ्यूचर में। और जब मैं वहां पे इंडिया में आऊंगा तो मुझे ये फॉर एग्जांपल हाइपरलिंक, टीसीएस, विलोट्री ऐसी सारी कंपनी में मैं वर्क करना चाहता हूँ और मेरी सैलरी इतनी रहेगी। अगर आप सैलरी मेंशन करना चाहते हो तो कर सकते हो। और ये सारी चीजें आपको मेंशन करने की, जब आप वापस आओगे तो आप ये कंपनी में वर्क करोगे, आपके कोर्स के मुताबिक जिन जिन कंपनी आप जानते हो वो सारी कंपनी आपको ऐड कर लेनी है। आप ये भी मेंशन कर सकते हो कि मैं मेरी फैमिली से बहुत क्लोज हूँ इसीलिए मैं कनाडा से इंडिया वापस आ जाऊंगा, ये भी आप मेंशन कर सकते हो। आप सिंगल चाइल्ड हो इसीलिए मुझे इंडिया वापस आना पड़ेगा मेरी फैमिली के लिए। ये सारी चीजें आपको फ्यूचर प्लान्स में मेंशन कर लेनी है। आपको ये मेंशन नहीं करना है कि जब मेरी स्टडी खत्म होगी उसके बाद मैं वहां पे ही परमानेंट सेटल होना चाहता हूँ। इस चीज का आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बार बार बता रहा हूँ, क्योंकि कई सारे वीजा स्टूडेंट के वीजा रिजेक्ट हुए इसीलिए मैं बता रहा हूँ। तो ये रहा हमारा 6 पॉइंट फ्यूचर प्लान्स। तो 7 पॉइंट है हमारा लेवल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। तो इसमें क्या होता है कि आपने अगर फर्स्ट ईयर की जीएसटी पे की है, ट्यूशन फी पे की है, आपके फाइनेंशियल स्टेबिलिटी के बारे में, आपके स्पॉन्सर के बारे में, आपको लेवल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में सारा कुछ मेंशन करना पड़ता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने लिखा है कि आई वुड लाइक टू हाईलाइट माई फैमिलीज फाइनेंशियल एबिलिटी विच इज क्वाइट स्टेबल एंड दे आर स्पॉन्सरिंग मी फॉर दिस एजुकेशन। तो यहाँ पे आपने जीएसटी डिपोजिट किए तो वो लिख लेना है और उसको आपको कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट कर लेना है। जितना भी चीजें आपको दिखा उसको आपको कैनेडियन डॉलर में कन्वर्ट करके लिखना है। फर्स्ट ईयर की ट्यूशन फी, अगर आप और भी कोई डॉक्यूमेंट दिखाना चाहते हो आपके सेफ्टी के लिए तो आप वो भी दिखा सकते हो। तो आपको वन बाय वन वो ऐड कर लेना है। यहाँ पे आपको लिख लेना है मोरेवर आई हैव द फॉलोइंग फंड, उसके बाद बैंक बैलेंस, फिक्स डिपोजिट, म्यूचुअल फंड, प्रॉपर्टी वैल्यूएशन, ये सारा कुछ अगर आप ऐड करना चाहते हो तो कर सकते हो, ये आपके ऊपर है। उसके बाद आपको यहाँ पे कंप्लीटेड मेडिकल एग्जामिनेशन वन उसकी डेट लिख लेनी है। और यहाँ पे आपको अगर आपके फादर आईटीआर भर रहे हैं इनकम टैक्स रिटर्न तो आपको वो भी डॉक्यूमेंट लास्ट 3 ईयर के आपको शो कर लेने, वो आपके लिए बेटर रहेगा। और लास्ट में आपको ये लिख लेना है कि आई हैव सफिशियंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज रिक्वायर्ड विदाउट रिक्वायरिंग मी टू वर्क ड्यूरिंग टू और माई स्टडी इन कैनेडा। तो ये भी आपको लास्ट में ऐड कर लेने हैं। तो ये सारी चीजें लेवल ऑफ एस्टैब्लिशमेंट में आती है। लास्ट में आपको कंक्लूजन करके आपको लिख लेना है कि आई एम वेरी थैंकफुल टू द ऑनरेबल कैनेडा हाई कमीशन फॉर गिविंग देयर वैल्यूएबल टाइम टू प्रोसेस माय स्टडी परमिट एप्लीकेशन एंड आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। और आपको ये लाइन लिखना नहीं भूलना है कि इन केस ऑफ एनी क्वेरी और इफ यू नीड एनी अदर इंफॉर्मेशन टू प्रोसेस माई एप्लीकेशन काइंडली कॉन्टेक्ट मी ऑन द नंबर, आपका नंबर दे देना है। और उसके बाद और ईमेल है मी एट आपका ईमेल नंबर आपको यहाँ पे लिख लेना है, क्योंकि अगर कोई भी मिस्टेक या कोई कुछ भी हुआ तो आप उसके नंबर और ईमेल से वो लोग आपको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ये चीज लिखना नहीं भूलना है। और लास्ट में आपको योर सिंसियरली करके आपको नीचे अपना नाम सिंपली लिख लेना है। तो ऐसे आपको अपनी एसओपी बनानी है। ऐसे हम हमारी वीजा एसओपी बना सकते हैं। अगर आपको इस वीडियो रिलेटेड कोई भी डाउट हो या कोई भी क्वेरी हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम या कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। आप सभी की सारी क्वेरीज को दूर कर दूंगा। और प्लीज मेरी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि हमारा टारगेट है 1K सब्सक्राइबर। तो चलो मिलते हैं अगले वीडियो पे।